तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं ओपन कैमरा क्या होता है और उसको कैसे यूज किया जाता है। मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में, बने रहें एंड तक। और ओपन कैमरे का क्या बेनिफिट है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं ओपन कैमरा एक एप्लीकेशन है जो आपको प्ले स्टोर पे इजीली से मिल जाएगी, आपको उसको इंस्टॉल कर लेना है। अब मैं आपको उसका बेनिफिट बता देता हूं कि बेनिफिट क्या है ओपन कैमरे का। जितने भी न्यू क्रिएटर्स होते हैं जो यूट्यूब पर आना चाहते हैं और आ भी रहे हैं धीरे धीरे, उनके पास मोबाइल्स नहीं होता, उनके पास ट्राइपॉड्स नहीं होता, उनके पास अच्छी लाइट नहीं होती और वो चाहते हैं कि हम भी YouTube पर अपने चैनल बनाएं और हम भी अर्निंग करें YouTube से, तो मैं आपको चीज बता देता हूं आपको। सबसे पहले आजकल हर घर में मोबाइल इजीली से मिल जाता है। अगर जो आपके यहाँ पर लाइट की प्रॉब्लम है तो आप नेचुरल लाइट में भी बना सकते हैं, आपको किसी रिंग लाइट की या एक्सटर्नल लाइट की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर जो आप आउटडोर में अपनी वीडियो शूट करते हो तो आपको किसी लाइट की जरूरत नहीं पड़ेगी। ट्राइपॉड की मैं आपको बात करूं, ट्राइपॉड मैंने उनके ट्राइपॉड देखे भाई, वो लकड़ी पर मतलब तीन लकड़ी खड़ी कर करके उन्होंने अपने ट्राइपॉड्स बना रखे हैं, क्योंकि उनको कुछ अचीव्स करना है, क्योंकि वो कुछ चाहते हैं, कुछ अपना चैनल ग्रो करना, क्योंकि वो ग्रो करना चाहते हैं अपना चैनल। क्योंकि एक्सक्यूज आज के टाइम में ज्यादा लोग देते हैं, भाई मेरे पास ट्राइपॉड नहीं है, मेरे पास लाइट नहीं है, हर चीज का सॉल्यूशन है भाई, एक बार चैनल बनाओ। तो अभी मैं आपको बता देता हूं ओपन कैमरा क्या है। जैसा आप अपने नॉर्मल फोन से, आपके पास जो भी फोन है, जब उससे आप उसको ट्राइपॉड पे लगा के वीडियो शूट करोगे तो आप देखोगे कहीं ना कहीं अनफोकस 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 क्लोज जूम इन जूम आउट होता रहता है। ठीक है, आपने देखा भी होगा, अगर जो आपने देखा तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना अगर जो आपके साथ ये प्रॉब्लम आ रही है। अब ओपन कैमरा क्या है मैं आपको बता देता हूं। ओपन कैमरा से जब आप वही सेम वीडियो शूट करोगे तो आपको ये जर्क जैसा इस तरह से दिखता है ना भाई, जूम इन जूम आउट और अनफोकस होता रहता है, हमारा चेहरा ब्लर आ जाता है, वो उसको खत्म कर देता है बिल्कुल। ठीक है, ओपन कैमरा को जब आप ओपन करोगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। यहां पर आप अपने रेशियो के हिसाब से अपने अकॉर्डिंग आप यहां से फ्रेम सेट कर सकते हो और इसके बाद आप यहां से एक बार मोबाइल लगा करके उसको लॉक भी कर सकते हो, मतलब जूम इन जूम आउट ना हो और अनफोकस ना हो, आप उसको लेयर को ऑफ कर दो तो वहां से वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अभी मैं आपको उसको यूज करके दिखाने वाला हूं, तो चलता हूं मैं अपने मोबाइल के डिस्प्ले पर लेकर के आपको मैं कंप्लीट इसके बारे में बताने वाला हूं। तो दोस्तों आ चुका हूं मैं अपने मोबाइल के डिस्प्ले पर और यहां पर मैंने ओपन कैमरा को ओपन कर लेता हूं और ये कुछ उसका इस तरह का इंटरफेस होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं। ओके, और यहाँ से आप जैसा वीडियो आप प्ले कर दोगे, यहाँ से ये वीडियो शुरू हो गई है, इसको आप यहाँ से लॉक कर सकते हैं, ये लॉक हो गई। ठीक है, और यहाँ से आप सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में जाने के बाद बहुत सारी सेटिंग्स हैं, यहाँ पर टाइमर है, मतलब आप वहाँ पर खड़े होकर टाइम सेट कर सकते हो अपनी पोजिशन पर जा करके। ठीक है, और फोटो सेटिंग, वीडियो सेटिंग, अबाउट है, प्राइवेसी है, ओपन सोर्स लाइसेंस है। ठीक है, जब कैमरे की प्रॉब्लम होती थी तो मैं इसी का ही यूज़ करता था, स्टार्ट कर दिया मैंने वीडियो बनाना, आप देख सकते हैं यहाँ पर नीचे की ओर सेकंड चल चुकी हैं और आप इसी को ही यहाँ से कट कर सकते हो। ये हमारी फाइल आपको यहाँ पर मिल जाएगी, यहाँ पे पूछ रहा है आपको कहाँ पे चलानी है फाइल, स्टार्ट कर दिया मैंने वीडियो बनाना, आप देख सकते हैं यहाँ पर नीचे की ओर। जब हमारा नॉर्मल मोबाइल का कैमरा होता है, जब हम वो यूज करते हैं तो इसमें मतलब ब्लिंक होता रहता है, लेकिन इससे ऐसा कुछ नहीं है। जब आप इसको प्ले कर दोगे और इसको लॉक कर दोगे और टाइमर लगा दोगे, जब स्टार्ट कर दोगे तो आपको वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ओपन कैमरा बहुत अच्छा है, मैं भी इसका इस्तेमाल करता था। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये ओपन कैमरा एप्लीकेशन अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज एक लाइक जरूर कर देना और एक कमेंट्स जरूर करके मुझे बता देना कि भाई एप्लीकेशन कैसी लगी है। ठीक है, क्योंकि ये आपके लिए एप्लीकेशन है, क्योंकि आपकी वीडियो मैं देखता हूँ काफी अनफोकस होता रहा है, तो ये आपकी डिमांड की वजह से मैं ये वीडियो लेकर आया था। क्योंकि भाई हर कोई कैमरा बाय नहीं कर सकता, क्योंकि कैमरा थोड़ा कॉस्टली होता है, इस वजह से ओपन कैमरा बहुत अच्छा एप्लीकेशन है। आप इसको डाउनलोड करो प्ले स्टोर में जाकर के ओपन कैमरा, ठीक है, और इसको यूज करो और मुझे इसको यूज करके रिजल्ट जरूर बताना, मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना भाई मुझे कि क्या बेनिफिट हुआ है आपको इस एप्लीकेशन से। और आशा करता हूं आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।